घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते दसा। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, एक प्रयास है मेरा, वो संगीत से रिलेटेड तो है ही, मगर उसका ताल्लुक जो है वो हमारी जबान से है, वो हमारी भाषा से है, वो हमारी लैंग्वेज से है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक वीडियो दिया था, बहुत टाइम हो गया उस बात को, उच्चारण के ऊपर एक वीडियो दिया था मैंने कि हम जो प्रोनंसिएशन होता है हमारा उसको कैसे सुधारें। और उसमें भी मैंने जो वो वीडियो था वो स्पेसिफिकली उर्दू प्रोनंसिएशंस पे था कि उर्दू के जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि हम रेगुलर लाइफ में बोला करते हैं, उनको हम कितना गलत बोलते हैं और उनके जो प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, वो कैसे सही होने चाहिए। जब एक बार वो उच्चारण आप क्लियर और सही बोलने लगते हो तो आपकी ज़बान साफ़ हो जाती है और ऑटोमेटिकली जो आपकी ज़बान में हिंदी में भी जो मिस प्रोनंसिएशंस हैं वो भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। क्या होता है, हमारी ज़बान पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट का, कि हम किस एरिया में रह रहे हैं और कौन लोग हमारे साथ रह रहे हैं, संगत और उस एनवायरनमेंट का जो आसपास के लोग हैं और कैसा माहौल है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसी भाषा, जैसी ज़बान वो बोला करते हैं, हम भी उसी को फॉलो करते हैं, फिर वो अच्छी हो, बुरी हो, गलत हो, सही हो, जैसी भी हो, हम वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं क्योंकि माहौल से सीखते हैं हम। तो अक्सर लोगों के साथ ये समस्या आती है कि जो एक प्रांत में रह रहे हैं, किसी रीजन में रह रहे हैं, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका टच उनकी ज़बान पे, उनकी लैंग्वेज पर इतना आ जाता है कि वो प्योर जो भाषा है वो नहीं बोल पाते। और जाहिर बात है कि ज़रूरी नहीं आप हमेशा प्योर बोलो, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यू नो पूरा उसका साहित्यिक सही रूप आपको आता हो और वो सब आप ठीक से बोलो, क्योंकि कोई एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं और ये लिखित पर्चा तो है नहीं, कोई ऑफिशियल तो है नहीं, है ना, कि यू नो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। ज़बान में बोलचाल है, अब वो जैसी सामने वाले को समझ आती है, प्योर में समझ आती है, इम्प्योर में समझ आती है, आप वैसी बोलते हो, मगर मेरा ये मानना है फिर भी उसका सही रूप जो है आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि हम यहाँ जो है संगीत से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो संगीत और साहित्य का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो अगर आपकी ज़बान साफ़ नहीं है, भाषा शुद्ध नहीं है, तो जो आप शुद्ध चीज़ें गाओगे फिर उसमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा वो, और उनकी, क्योंकि वर्ड्स के प्रोनंसिएशन से स्वर पर भी असर आता है ना, और वो जो शुद्धता है आपको पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वर्सेटैलिटी यही है। अगर आप एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप लोकगीत भी गाओगे तो लोकगीत में आप वो प्योर वर्ड्स वैसे नहीं बोलोगे, है ना। जैसे हम ठुमरी गाते हैं तो पूरे जो शब्द हैं हमारे, हम साफ और प्योर नहीं बोलते हैं, हम नज़र नहीं बोलते हैं, वहाँ पे नज़र ही बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो जो अंग है वो यूपी का अंग है जो ठुमरी का है, तो उसकी जो भाषा है वो भी प्योर वैसी नहीं होगी। नज़र उर्दू का शब्द है, लेकिन तब भी हम उसे गलत बोलते हैं, नज़र बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर उस सिचुएशन में नज़र सही है। वहाँ आप नज़र बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम प्योर बोलोगे तो, है ना। लेकिन जिस जगह प्योर बोलना चाहिए उसका प्योर रूप भी आपको मालूम होना चाहिए। मेरा बस इतना मानना है कि उसका, आपको इम्प्योर तो पता है, बोलना तो आता है, लेकिन आपको प्योर बोलना नहीं आता है। तो मेरा फोकस वहाँ है अभी फिलहाल कि जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, एक बार उसे भी समझा जाए, है ना, और लिखित में भी और हमारी भाषा में भी। तो इसके लिए मैंने जो वो वीडियो दिया था उर्दू प्रोनंसिएशंस में, उसमें जो 5 अक्षर होते हैं जिनमें कि नुक्ता लगता है, क, ख, ग, ज और फ, जिसमें कि फ और फ आ जाते हैं, है ना, तो ये मैंने समझाए थे। एक बार वो वीडियो भी देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन्स में भी मिल जाएगा। और
एक पेज है मेरा इंस्टाग्राम पे, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, बिकॉज वो पेज जो है पिछले एक साल से चल रहा है और उस पर मैं ऐसे ही वर्ड्स रिसर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ उनका करेक्ट प्रोनंसिएशंस एंड किस किस वर्ड्स के हम जो कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, कौन से वर्ड का क्या प्रोनंसिएशन करते हैं और कौन सा वर्ड हमको क्या लगता है कि ऐसे बोला जाता होगा, ऐसे लिखा जाता होगा, पर एक्चुअली में वो वैसे बोला और लिखा जाता है, उनके जो शुद्ध रूप हैं वो मैं सर्च करके उसमें एक कंपाइलेशन मैं बनाता हूँ। तो वो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, है ना, क्योंकि एक ही जगह आपको मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ढूंढने नहीं जाना है कहीं, क्योंकि जो है ये जो रिसर्च का काम है ये हर कोई नहीं कर पाता है। अब मैं आपको बताऊं मैं रिसर्च कहाँ से करता हूँ, तो वैसे तो आप गूगल पे जाओगे तो वर्ड्स आपको हज़ारों मिल जाते हैं, किताबें हैं वर्ड्स हज़ारों वहाँ मिल जाते हैं, डिक्शनरीज़ हैं आपको वहाँ मिल जाते हैं, उनके करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट प्रोनंसिएशंस, लोग हैं उनसे आपको बातचीत कर कर आपको मिल सकता है, उनके तजर्बे होते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे सीखे हुए लोग हैं उस भाषा के, तो वो जानकार हैं तो वो आपको बता देते हैं। तो कुछ मैंने वहाँ से सीखे हैं और कुछ एक वेबसाइट है रेख्ता, रेख्ता.com एक ऐसी वेबसाइट है, एक्चुअली वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उर्दू भाषा के ऊपर काम करती है, और क्यों रेख्ता मतलब ही उर्दू होता है, उर्दू का पुराना नाम रेख्ता है, तो उस पर वो बहुत सारे, आप वो वेबसाइट भी आप ज़रूर सर्च करें, वहाँ आपको बड़े बड़े शायर जो हैं उन सब की आपको वहाँ गज़लें मिलती हैं, उनके शेर मिलते हैं, उनके वर्क्स मिलते हैं जो उन्होंने लिखा है, नज़में लिखी हैं जो उन्होंने, कहानियाँ लिखी हैं, वो सब आपको वहाँ मिलते हैं, एंड वर्ड्स के करेक्ट प्रोनंसिएशंस और स्पेलिंग्स भी आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो कुछ वर्ड्स, कुछ टॉपिक्स मैंने वहीं से रिसर्च कर अपने पेज पर कंपाइल करके लगाए हैं, तो आपके लिए भी वो मदद हो जाएगी अगर आप उस पेज को फॉलो करें और उसके जो पोस्ट हैं उनसे वो सारी चीज़ें सीखें। अभी हम देखेंगे, मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ कि कैसे वो पेज है और कैसे आप ढूंढ सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको रेख्ता के बारे में थोड़ा और बता दूँ। रेख्ता .com या फिर .org ये वेबसाइट है, आप टाइप करेंगे तो, और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, वर्ड सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और उन वर्ड्स पर क्लिक करके उनकी मीनिंग तक जान सकते हैं। कई बार होता है हम किसी वर्ड का मीनिंग कुछ और समझते हैं, किसी का कुछ और समझते हैं, तो क्योंकि वर्ड का जो मीनिंग है एग्जैक्टली वर्ड मीनिंग अलग होता है और जब वो किसी कंटेक्स्ट में यूज़ होता है तब अलग होता है, है ना, जैसे वही शब्द है लेकिन उस शब्द की मानी जो हैं, अर्थ जो हैं, वो हमें शाब्दिक अर्थ पता है उसका, लेकिन उस शब्द के पहले आगे पीछे जो शब्द जुड़ जाते हैं एक वाक्य बन जाता है, तो उसी शब्द के जो मानी हैं वो बदल जाते हैं, है ना, तो वो कैसे पता चलेगा कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग भी हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, वो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने पे पता चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदी पे कम ध्यान दें और उर्दू पर ज़्यादा दें, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और हिंदी की शुद्धता ना सीखें और उर्दू की शुद्धता सीखें ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये मानना है हम इन दोनों भाषाओं को गाते हैं, हम हिंदी भी गाते हैं, हम उर्दू भी गाते हैं, और उर्दू हम प्योर अरेबिक वाली नहीं गाते हैं, हम थोड़ी इम्प्योर ही गाते हैं जो अरबी से जो कम होते होते ही उर्दू बनी है, है ना, अरबी और पर्शियन से कम होते होते ही उसके ही कुछ वर्ड्स हैं, तो जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं आज हमारे देश में जो चलती है, हिंदुस्तानी भाषा जिसे हम कहते हैं उसमें हिंदी और उर्दू मिक्स चलती है, लेकिन हम क्या है उसके अशुद्ध रूप को बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो चीज़ें हैं अगर आप उनको थोड़ा शुद्ध भी जान लें, जो मैंने वीडियो दिया था वो तो नुक्ता प्रोनंसिएशन करेक्ट करने के लिए था, लेकिन उसके बाद जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनमें नुक्ते लगते हैं और किस में नहीं लगते हैं, किनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, किनको कैसे नहीं किया जाता है, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट उर्दू के वर्ड्स आप लीजिए, नहीं, जो नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोलते हैं उन वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, हम बहुत ही इस्तेमाल करते हैं शब्द को शोरगुल, हम कहते हैं यार बहुत शोरगुल हो रहा है, यानी शोर हल्ला, तो ये वर्ड आप गलत बोलते हैं क्योंकि शोर ओ गुल होता है, क्योंकि गुल मतलब उर्दू में फूल होता है और गुल मतलब शोर होता है, तो शोर ओ गुल, ओ मतलब और, तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर जाते हैं, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो अभी आपको जानने को मिलेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, हम इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं उस पेज को, पेज का नाम है कुछ मुकर्रर इत्तेफाक, तो अभी आपके साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चलेगा वो, ये आप देख सकते हैं ये पेज है और इसका यूज़र नेम आप देख सकते हैं KUCHH फिर अंडरस्कोर है फिर MUQARRAR फिर अंडरस्कोर ITTIFAA Q, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ये पेज वैसे तो आप देख सकते हैं इसमें शेर, शायरी, गज़लें, नज़में, रुबाई ये सब है, लेकिन आपको आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो नहीं पढ़ें उनसे मतलब नहीं है, आपके जो काम की चीज़ें हैं वो आप ये देख सकते हैं, ये जो हाइलाइट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये आपके काम की चीज़ें हैं,
आप यहाँ से सीख सकते हैं। इस पेज पर रेगुलर आपको ऐसी स्टोरीज मिलती हैं जिनसे कि आप वर्ड सीख सकते हैं। काफ़ी लोग सीख रहे हैं, काफ़ियों की मदद हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इससे सीखें। मेरी ही कुछ मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ इस भाषा के लिए, आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये कुछ रिसर्च करी है। जैसे आप ये देखिए, करेक्ट स्पेलिंग्स अगर हम देखें तो पहले तो ये जो वीडियो आता है आपके सामने, इस पर आप अगर जाते हैं तो ये वीडियो भी देख सकते हैं कि आप कैसे प्रोनंसिएशन सुधार सकते हैं। उसी वीडियो जो उर्दू का मैंने दिया था, उसी के छोटे छोटे आपको मैंने इसमें क्लिप्स डाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वही वीडियो है। और इसके मैंने जैसे ये क के ऊपर है तो ऐसे ही ये क के वर्ड्स हैं सारे, आप देख सकते हैं ये इनकरेक्ट वर्ड्स हैं और ये करेक्ट है। जैसे वक्त को हम गलत बोलते हैं, वक्त होता है, मकसद है तो मकसद होता है ना। पहले आप इस वीडियो से सीख लेंगे कि क का प्रोनंसिएशन कैसा है, फिर उसके वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं अलग अलग उस पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स डाल रखे हैं। फिर आप ये देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं, जैसे कि हम जुकाम बोलते हैं लेकिन वो जुकाम होता है, खुद खुशी बोलते हैं खुद खुशी होता है ना। ऐसे काफ़ी वर्ड्स आप देख सकते हैं, कोहिनूर बोलते हैं कोहिनूर होता है ना। यानी अब इसके अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग मीनिंग है, आप देख सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम और करते हैं है ना, मुलाहिजा होता है, मुलाहिजा बोल देते हैं उसको हम, और ये आप देख सकते हैं लिखने में भी। ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं इसमें आते जाएंगे। ये वो हैं उर्दू होमोफोन्स है ना, ये जो आपने पहला देखा ये क के ऊपर है, ऐसे ही ये ख और ख के ऊपर भी है, ये खाक खाक, खत खत, आप ये देख सकते हैं ये ख के ऊपर है, ये ग के ऊपर है। वीडियो देखेंगे ग को बोलना सीखिए और ये उसके वर्ड सीखिए। ये ज के ऊपर है, ये फ के ऊपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ऐसे ही ये जो उर्दू होमोफोन्स हैं जो मैंने आपको बताया, होमोफोन्स से आप क्या समझते हैं? होमोफोन्स होते हैं वो शब्द जिनकी एक्चुअली में स्पेलिंग अलग अलग होती है एंड वर्ड्स अलग अलग होते हैं। स्पेलिंग इतने भी अलग नहीं होती, काफ़ी सिमिलर होती है, लेकिन उनका जो प्रोनंसिएशन है होता है वो इतना सिमिलर होता है कि हमको लगता है वो दोनों एक ही वर्ड हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं, उसको होमोफोन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम कहते हैं लहजा, और लहजा में ही ज में अगर नुक्ता लगा दिया जाए तो लहजा, और उसकी मीनिंग बदल जाते हैं। लहजा मतलब मैनर होता है, बोलने का तरीका, जो टोन है हमारा, लेकिन जो लहजा है उसका मतलब होता है एक पल, एक मोमेंट है ना। गरज होता है जो थंडर होता है ना, जैसे बादल गरजते हैं, लेकिन गरज होता है किसी की गरज करना है ना, इंटेंशन पर्पज जो है। सागर मतलब ओशन होता है, लेकिन सागर मतलब शराब का प्याला होता है। ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स आप इसमें देख सकते हैं है ना, आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें कि नुक्ते के फ़र्क हैं छोटे छोटे, और उससे कि पूरे के पूरी मीनिंग बदलते हैं है ना। और क्या मीनिंग बदलते हैं और वो भी मैंने इसमें लिख रखे हैं। अब इस वाले में आते हैं, तो ये वैसे तो ये तो फिर टिपिकल उर्दू हो जाएगी कि अगर आप वर्ड सीखते हैं, जैसे जो बीच में ब वाले वर्ड्स होते हैं, कूबकू, हूबहू है ना, जिसमें ब का कहीं ना कहीं मीनिंग होता है और से रिलेशन है ना, जा बजा है ना, जा बजा, पा बपा, ये ऐसे भी कई वर्ड्स हैं। चाहें तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप सीखना चाहें तो है ना। फिर ये है गज़ल वोकैबलरी, यानी गज़ल के कुछ शब्द होते हैं कि गज़ल में क्या क्या होते हैं, जैसे कि अल्फाज, लफ्ज, हर्फ, ये होते हैं वर्ड्स है ना, जिनको हम वर्ड्स कहते हैं। फिर जो कपलेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं शेर या फिर अशार, जैसे काफिया होता है वो लास्ट की राइम को कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको ये अभी जो मैंने शुरुआत में गज़ल गाई थी कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, इसमें जो ए का साउंड आ रहा है ना, जाते आते, जो ए का साउंड आ रहा है जाते और ये, इसको कहते हैं काफिया। और रदीफ होता है वो शब्द, जैसे कि जाते और जाते इसमें आ रहा है। फिर आप देख सकते हैं तलफ़ुज, तलफ़ुज कहते हैं हम प्रोनंसिएशन को, और तखल्लुस कहते हैं हम हमारे पेन नेम को। बहर होती है उसकी मीटर, उसकी रिदम, तरन्नुम होती है उसकी धुन, मतला होता है हमारी पहली कपलेट, और जो मिसरा होता है वो, यानी सिंगल लाइन को मिसरा कहते हैं और दोनों को मिला के कह देते हैं शेर है ना, मक्ता वो लास्ट वाला शेर जिसमें कि शायर का नाम आए। तो ऐसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को हैं, सीखने को हैं, ऐसे काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो इसमें आपको आगे देखने को मिलेंगी अगर आप इस पेज को फॉलो करते हैं तो। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिल सकती हैं और काफ़ी सारे नए पोस्ट इसमें रेगुलर होते रहते हैं, इसकी स्टोरीज़ हैं जो आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है, आपकी हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रवाह वर्ल्ड का चैनल, एंड कोशिश करता हूँ मैं अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूं, अलग अलग तरीके से आपकी मदद करता रहूं, ठीक है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।